के तू सुनना। नमस्कार दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों इस टाइम पे मैं जबलपुर में और आज जाने वाले अपने फ्रेंडों के साथ निदान वाटरफॉल घूमने के लिए। काफी दिनों से सोच रहे थे निदान जाने के लिए, तो फाइनली आज डिसाइड हो गया है कि निदान जा रहे हैं। तो इस वीडियो में बहुत ही मस्ती और मजाक होने वाला है, क्योंकि अपने फ्रेंडों के साथ डिसाइड हुआ है कि आज बहुत ही फन और मस्ती होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो आप लोग तक हम लाते रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, वीडियो करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो मिल गया हमारा दोस्त अंश, अब इसके साथ जा रहे हैं अपन निदान वाटरफॉल। अभी रूम से तैयार हो गए और पांच छह दोस्त और हैं रास्ते पे वेट कर रहे हैं, चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं अभी रूम से। बढ़िया तैयार वैयार हो चुके हैं भाई साहब। आपको एक काम करना है, इससे उससे सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भाई हम लोग तो निकल चुके हैं, देखो रास्ता आपका। अभी दीनदयाल पहुंचेंगे, दीनदयाल से रास्ता होगा टंगी जाने के लिए। दीनदयाल चुंगी, चुंगी से करमेतर उठन हो, करमेतर से टंगी से करमेतर होती है ना, कटंगी रोड में इंटर करेंगे। ये सामने पे दीनदयाल बस स्टैंड मिलने वाला है अपन को। बाबू भैया, तो गाइस हम लोग चल रहे हैं कटंगी रोड पे हैं, काफी मजा ले रहे हैं और दोस्त हैं। लेकिन भाई साहब ये बरसात भी है ना भाई यार, खतर ही नहीं आए थे, मौसम भी कूल कूल है एकदम से, कूल कूल मजा आ रहा है। दिन गार्डन गार्डन हो रही है, तो मौसम का मजा लेते हुए और सफर का मजा लेते हुए हम लोग जा रहे हैं निदान वाटर पार्क। और ये जबलपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, वो कटंगी रोड में है। ये कटंगी रोड, और रोड भी कितना अच्छा हुआ है, बस रोड भी कितना अच्छा है देख ही लो। और चलो अभी बाकी का रास्ते में क्या बताऊँ आपको, बाकी का मजा आपको फॉल का दिखाऊंगा सीधे। तो वीडियो में अंत तक बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट लाइक करो और शेयर करो। चलो और वो त्रिमूर्ति मूर्ति आ रहे हैं एक गाड़ी में, और देख लो आप वो भी जा रहे हैं। ठीक है, इस साइड बुलाता हूँ इनको। ये त्रिमूर्ति देख रहे हो आप, ये भी जा रहे हैं शॉर्ट में। कहाँ कहाँ जा रहे हो बॉस? निदान कहाँ जा रहे हो? अपन लोग पहुंच गए हैं और यही कहीं से रास्ता है अंदर जाने का। अरे हम गाड़ी नहीं चला रहे, टेढ़ा मेढ़ा साला ये रास्ता ही बवासीर है। का कही वह सरपंच का अपने यहाँ के सौकर ही बैठ गया भाई सर वहाँ। फाइनली गाइस अपन लोग पहुंच चुके हैं निदान वाटरफॉल के पास ही, और अभी जस्ट रास्ते पे खड़े हैं। ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है आप लोग को, यहीं पे निदान वाटरफॉल है जो कि झरना टाइप में बना हुआ है और वहाँ से पानी गिरता है। तीन लड़के और हैं हमारे साथ में, आराम आराम से आ रहे हैं। कटंगी के निदान जल प्रपात यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गेट है, मतलब ऐसा यहाँ पे आउटर पे बनाया हुआ है ये गेट, फिर भी काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अच्छा डिजाइन दिया हुआ है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे पहाड़ क्या क्या मस्त लग रहा है, यहाँ का मौसम नज़ारा एकदम से बाग बाग है। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ से अंदर, देखते हैं क्या। अभी तो हम पहली बार आए हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है हमें यहाँ के बारे में, लेकिन जितना भी होगा हमसे हम आप लोग तक यहाँ का विजिट कराएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो में हमारे बने रहिए। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what... तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे पार्किंग का जगह है। यहाँ बाइक के लिए 50 रुपए, बस ज्यादा हम लोग फोटो वोटो लेने आए हैं, घूम भाग के चले जाएंगे। देखिए गाइस ये अपना एंड पॉइंट, एक में ज्यादा घटनाएं होती थी तो वो वाटर पार्क बंद कर दिया गया है, बस एक वाटर पार्क चालू है। ये सामने जो दिख रहा है, गर्मी में एक बार ये लोग आए थे तो उनको मिला ही नहीं। तो यहाँ पे कुछ सूचना लिखे हुए तो आज हमारे साथ बने हैं अंश ब्लॉगर, इनका भी एक चैनल है, चैनल का हम लिंक डाल देंगे, आप लोग इनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये भी बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं, आपको अच्छी अच्छी चीजें यूनिक चीजें दिखाएंगे। गाइस भयंकर पानी आ गया, भागो। और ये नजारा, बाय बाय।
इस प्रकार कुछ झाड़ियां हैं यहाँ पे, देखिए बड़ा ही खूंखार जगह दिखता है भाई। लाल पीला है, देखिए दोस्तों बड़ा डर अपना जगह है यार इधर का। नेचर वीडियो शूट नहीं कर रहा है यार, वाटरफॉल के नजदीक। हाँ उधर लेके चलो भाई की ब्लॉग शूट करो, गर्मी लग रही है। मेरा ब्लॉग भाई ने शूट किया है। वाओ पहुंच गए। ओ ब्यूटीफुल, बहुत ही नजदीक वाटर पार्क के पास। झरना की आवाज आ रही है और कुछ ऐसे रास्ते में चलते चलते अपन को करीब 1 से 2 किलोमीटर चलना पड़ता है इस रास्ते पे। तो देखिए गाइस अपन लोग पहुंच चुके हैं एकदम झरने के करीब। ये झरना पूरा देख सकते हैं यहाँ से, बहुत हाइट से ऊपर से पानी गिरता है यहाँ पे। भाई साहब अमरीश ब्लॉग्स जो है अभी फोटो शूट करा रहे हैं, देख रहे हैं कैसी जगह पे खड़े हैं और इधर पे झरना और पानी आ रहा है कहाँ से, वो वहाँ से भैया बहुत ऊपर से आ रहा है यार। भैया ये तो दूध जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दूध गिरा था ऊपर से। गाइस बारिश चालू हो गई, अपन लोग अब भीग जाएंगे लगता है। गाइस देख सकते हैं इन लोग को पानी हो गई। पानी गिर रहा है, हम लोग पत्थर के नीचे दबे हुए हैं। तो गाइस देखिए ये है वाटरफॉल जिसके लिए हम लोग आए थे, ये है टॉप में। देखिए कितने हाइट से गिर रहा है वहाँ से पानी, कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है यहाँ पे। दोस्तों अंदर जाना यहाँ पे खतरा है क्योंकि पानी इस टाइम पे ज़्यादा है, क्योंकि बरसात का सीज़न भी चल रहा है और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, खूबसूरत नज़ारा है। आप लोग भी आइए यहाँ पे घूमिए, काफ़ी अच्छा लगा हम लोग भी आके, बहुत मज़ा आया। हम लोग बहुत मस्ती किए दोस्तों के साथ, बन गए एक दोस्त ये है, बाकी सब लोग इधर अपना सेल्फी में बिजी हैं। बहुत सारे लोग भी आते हैं घूमने के लिए, लेकिन यहाँ थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है क्योंकि दोस्तों ऐसा पत्थर है, छोटे छोटे बच्चों को आने के लिए यहाँ पे अच्छी जगह नहीं है क्योंकि बहुत स्लाइड होती है यहाँ पे पत्थरों पे, क्योंकि काई टाइप का कुछ जमा हुआ भी है। अपन लोग खुद भी इतने बार अपना पाचे तो आए ना भैया, हम आ गए निदान वाटर पार्क। अपना पाचे हमारे चैनल का सब्सक्राइब करिया, लाइक करिए वीडियो का और शेयर करिए सबसे ज्यादा। पता है कितना ऊपर से पानी है, देखिए कितना ऊपर ज्यादा हाथ आता है, कहा दी समझ रहे हाथ आता है, कितना मुँह फाट रहा है, इतना ऊपर से पानी गिरा था, इतना गहरे है, बहुत खतरा है, तब हम आगू न जावे। देखिए गाइस यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। पहाड़ बहुत ही हाइट पे है, पानी भी बहुत हाइट से गिरता है नीचे, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ नहाने के लिए ट्राई ना करो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने को मिला है। काफ़ी अच्छा मजा आ रहा है हम लोग को यहाँ पे, बारिश कितना अच्छा है। हम लोग को हमने निदान वाटरफॉल अच्छे से घुमा दिया और हम लोग भी घूम लिए और हमारे यार दोस्त भी जो थे सब ले घूम लिया और किसी को कोई भी परेशानी नहीं हुई चोट वोट किसी में, क्योंकि यहाँ पे पत्थर है, चलने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप लोग जब भी आइएगा तो थोड़ा सफलतापूर्वक आइएगा ध्यान देते हुए। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलते हैं वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।